भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जोसेफ स्कूल में कुछ दिन पूर्व एक स्कूली छात्रा के साथ दो गेम टीचरों के द्वारा छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित छात्रा के पिता के बयान पर पुलिस ने FIR दर्ज कर दोनों आरोपी गेम टीचर मुकेश प्रसाद और प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ हुए छेड़खानी मामले में प्राचार्य की संलिप्तता एवं दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर शुक्रवार को समाहरणालय के समीप ABVP के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जरूरत है समाज को अब स्वयं जागने की, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे स्कूलों में पढ़कर संस्कारहीन बनेगी। मौके पर कई छात्र नेता मौजूद रहे। हम लोग लगातार 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जिस तरह से दो शिक्षकों ने मिलकर एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया वो निंदनीय है। हमको लगता है कि इसे समाज तक पहुंचते पहुंचते 10 दिन लग गया। बताइए कि कहीं ना कहीं उस प्रिंसिपल के जो है प्राचार्य का भी उसमें संलिप्तता है। जब उसके पिताजी जाते हैं स्कूल और कहते हैं कि हमें वो शिक्षकों पर कार्रवाई करवानी है, CCTV देख लीजिए, लेकिन फादर उन्हें भगा देते हैं। आज हम लोग लगातार जिस दिन से सेंट जोसेफ का मामला उजागर हुआ है सामने के, सबसे पहले उस बहन की हिम्मत का दाद देता है विद्यार्थी परिषद की, उसने इस काली करतूत को समाज के बीच में लाया। आज तीसरा दिन है हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग पहले दिन से वही है कि जिस स्कूल के प्राचार्य व वहाँ के प्रबंधन के माध्यम से इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया है, उसके प्राचार्य की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उनको निलंबन कर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो तथा ऐसे सभी स्कूलों की जांच हो जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित हो रहा है। वहाँ कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर धर्मांतरण, नशे का लत तथा छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम करके समाज को शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। भागलपुर के दीपनगर स्थित जिला कांग्रेस भवन में शुक्रवार को युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार ने की। बैठक में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा जिला से लेकर बूथ तक युवाओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। गरीब दास ने कहा कि यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में युवा कांग्रेस युवाओं को जोड़ रही है। बैठक में सारिक खान, प्रशांत बनर्जी, अभिषेक चौबे, रवि कुमार, नीरज कुमार सहित युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गुरुवार को साकुंड प्रखंड के कस्बा खेरई और सजौर पंचायत में DM सुब्रत कुमार सेन ने आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान DM ने सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक ठीक ढंग से पहुंचाने के लिए वीडियो और CO को निर्देश दिया। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर राज्य के सभी जिले के अलग अलग प्रखंड और पंचायतों में DM द्वारा सप्ताह में एक दिन जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कई पदाधिकारियों ने आम लोगों की समस्या सुनकर उनके समाधान का निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारी और BDO को दिया है। जनसंवाद कार्यक्रम में DDC, ADM, SDO, DSP समेत कई अधिकारी और काफी संख्या में ग्रामीण एवं फरियादी मौजूद थे। कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ आए हुए हैं साकुंड के सजौर में और आप देख रहे हैं कि काफी अच्छा जो है लोगों का पार्टिसिपेशन है। लोगों ने अपनी बात रखी है, पदाधिकारियों ने भी अपने विभाग के स्कीम्स के बारे में बताया है। लोगों के जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसका हम लोग संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास करेंगे और सभी लोगों से हम लोगों की अपील भी है कि समाज में शांति का वातावरण रहे, बेहतर वातावरण में हम लोग एक अच्छे कल का निर्माण कर सकें। इसी दिशा में हम लोग विभिन्न प्रखंडों में जा रहे हैं और लोगों के सुझाव प्राप्त कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं।
सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ स्थित विनोबा नगर कार्यालय में मानवाधिकार ग्राम रक्षा दल के सदस्यों द्वारा अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मानवाधिकार ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सुताक ने की। बैठक में सदस्यों ने विचार विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ उन्हें नहीं मिला है, जबकि उन्हें हमेशा सरकार की सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। मोहम्मद सुताक और मानवाधिकार ग्राम रक्षा दल के संयोजक पिंटू कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार और भारत के राष्ट्रपति को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा प्रदान नहीं की गई है। इसके बावजूद उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी। मौके पर मानवाधिकार ग्राम रक्षा दल के कई सदस्य मौजूद रहे। मेरा नाम लक्ष्मीकांत दीपक है। मैं औरंगाबाद मदनपुर से बिलोंग करता हूं। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मुझे 15 साल से करीब डायबिटीज की बीमारी थी। मुझे पता चला डॉक्टर साहब में बैठते हैं जो सिर्फ शुगर का ही इलाज करते हैं। मैंने इनके यहां से मैंने खाई, इससे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और अभी तक मुझे पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। डॉक्टर साहब दवा हमने करीब करीब 1.5 महीने से छोड़े हुए हूँ। आज मैं आया तो मुझे दवा बंद कर दिया गया और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता हूँ। इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा दवा बंद हो जाए। भागलपुर में 2 दिवसीय 15वां राज्य स्तरीय बॉक्सिंग जूनियर व सब जूनियर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित खेल भवन में आयोजित की गई। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के 21 जिलों से 42 टीम के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी रखी गई है, जिसमें बालक व बालिका वर्ग के मैच आयोजित हुए, जिसमें कई मैच रोमांचक रहे। प्रतियोगिता में पटना, शेखपुरा, सारण, बांका, भागलपुर, रोहतास, कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण के अलावा कई जिलों के खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। वहीं खेल प्रबंधन ने कहा कि राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। शनिवार को प्रतियोगिता का समापन होगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इससे पूर्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी, पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव, समाजसेवी विजय यादव एवं अतिथियों के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह प्रतियोगिता बिहार बॉक्सिंग संघ और जिला बॉक्सिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। जो है राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप है और जिसकी मेजबानी भागलपुर कर रही है। लगभग 21 जिलों से जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के 42 टीम अभी यहाँ पर उपस्थित है और आज इसका आगाज है और ये लगातार आज से जो शुरुआत हो गई, कल 23 तारीख तक कल समापन, इसका 4 बजे शाम तक इसका समापन होगा तक होना है और ये बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है। यहाँ से जो भी बच्चे निकलेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय खेल तक जाएंगे और सभी बच्चों को मैं शुभकामना प्रेस करती हूँ।